महान वह व्यक्ति नहीं होता है जो आदमी बड़ा हो, ज्यादा पैसा वाला हो, ज्यादा अमीर हो। महान वह व्यक्ति होता है जो समय के साथ साथ अपने आप को बदलता है, एक नई सोच को अपने मन के अंदर उत्पन्न करता है, एक नई दिशा को ढूंढता है, एक नई लक्ष्य तक जाने की रास्ता तय करता है। वो व्यक्ति महान होता है, हमेशा याद रखना। किसी भी व्यक्ति को महान बनने के लिए एक नई सोच चाहिए, एक नई दिशा चाहिए, एक नई रास्ता चाहिए। उसे कोई कितना भी रोकने का कोशिश क्यों ना करे, पर वो व्यक्ति रुक नहीं सकता है। जो व्यक्ति महान है उसे कोई रोक नहीं सकता है। हमेशा अपने अंदर इस भावना को रखिए कि मुझे लक्ष्य तक पहुंचना है, मुझे इस दुनिया में कामयाबी चाहिए, मैं इस दुनिया में कामयाब व्यक्ति बनूंगा, मैं इस दुनिया में सक्सेस बनूंगा, मैं इस दुनिया में सफल बन के दिखाऊंगा। हमेशा अपने अंदर ही इस भावना को रखें और हमेशा चलते रहना है। आपको चलते रहना है, कितना भी आप क्यों ना चलो, हमेशा आपको चलते रहना है। पर कभी भी आपको रुकना मत है, क्योंकि कभी भी आपको रुकना नहीं है, क्योंकि जब सफलता आने वाला होता है तभी आपके अंदर का मन का जो मनोबल है ये टूटने लगता है, और वहीं पे व्यक्ति हार मान लेती है। हमेशा याद रखना है, जब लक्ष्य करीब होता है तभी व्यक्ति का मन टूटता है। इसीलिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें, इसी भावना के साथ आगे बढ़े और आत्मविश्वास के बल पे आगे जाए। अपने मन के अंदर ये आत्मविश्वास रखिए कि मैं इस लक्ष्य को जरूर पूरा करूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मुझे कोई कितना भी क्यों ना टोके पर मैं नहीं सुनूंगा जब तक मैं अपने लक्ष्य को नहीं पा सकता हूं। हमेशा लक्ष्य की तलाश में निकलो और ढूंढो कहां पे आपका लक्ष्य है। हमेशा सोचो मेरे आने वाला कल कैसा होगा, मेरा आने वाला भविष्य कैसा होगा। कभी आपने कल के बारे में सोचा है? नहीं सोचा है, पर सोचना जरूर। आज आपका समय गुजर गया, कल आपके पास क्या है जो आप कल अपने जीवन में कुछ नया कर सकते हैं, क्योंकि जब समय बीत जाता है कभी भी लौट के नहीं आता है। आपने देखा है छोटा बच्चा जो जन्म लेता है कुछ दिन बाद एक युवक का रूप ले लेता है, एक युवक बन जाता है। ठीक उसी प्रकार एक छोटा व्यक्ति ही एक अमीर व्यक्ति बनता है। हमेशा याद रखना, उसके कामयाबी को नहीं देखना, उसके परिश्रम को देखना। हमेशा परिश्रम के बल पे कुछ भी हासिल किया जा सकता है। जब आप कठिन परिश्रम करिएगा इस दुनिया की हर एक मुकाम को आप पा सकते हैं। आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई आपको नहीं रोक सकता। आप दुनिया के कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। पर कठिन परिश्रम आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो व्यक्ति मेहनत करता है फल उसी को मिलता है। हमेशा याद रखना। आपको तो शायद ये पता होगा, जो व्यक्ति एग्जाम देता है वही व्यक्ति पास करता है। ठीक उसी प्रकार जब आप कठिन परिश्रम करिएगा तो फिर आपको फल मिलेगा। फल की चिंता आप मत करिए, आप परिश्रम करिए। सिर्फ परिश्रम करना ही व्यक्ति का काम होता है। व्यक्ति का सिर्फ यही कार्य है करना, कि उसे कठिन परिश्रम करना है। फल की चिंता छोड़ दो, फल स्वयं तुम्हें मिलेगा। फल को कोई तुम्हें रोक नहीं सकता है, वो तुम तक जरूर आएगा, पर कठिन परिश्रम तुम्हें ही करना है। कभी भी अपने आप को पीछे मत होना है, क्योंकि जब आप पीछे हो जाइएगा तो फिर आपको सफलता नहीं मिलेगी। हमेशा याद रखना, कठिन परिश्रम के बल पे आगे चलना है। इस दुनिया का इतना व्यक्ति है बड़े बड़े, कभी इनका बायो आपने देखा है, पढ़ा है, सुना है? कभी APJ अब्दुल कलाम की बायोग्राफी के बारे में आपने जाना है,
स्वामी विवेकानंद जी के बायोग्राफी के बारे में आपने कभी सोचा है कि स्वामी विवेकानंद जी का जीवन कैसा था, APJ अब्दुल कलाम जी का जीवन कैसा था? दोस्तों, सभी व्यक्ति एक छोटा परिवार से ही बिलोंग करता है, पर अपने मेहनत के बल पे, अपने अंदर कॉन्फिडेंस के बल पे, अपने आत्मविश्वास के बल पे दुनिया का कोई भी मुकाम को हासिल कर सकता है। हमेशा अपने अंदर की बात को सुनो, अपने अंदर की आत्मा को सुनो। जो वो आपको बोले, सिर्फ आप वही करना। जिस कार्य में आपकी रुचि हो, उसी कार्य की ओर आपको आगे बढ़ना है। कोई आपको प्रेरित करे कि ये काम तुमको करना है, पर आपको ये काम अच्छा नहीं लगता है, हमेशा अपने दिल की सुनो। जो आपका धड़कन बोल रहा है, इसकी सुनो। जिस कार्य में आपकी रुचि है, उसी कार्य में अपने आप को आगे बढ़ाओ। हर व्यक्ति के अंदर एक कला छुपी रहती है, उस कला को बाहर निकालो और इस दुनिया को दिखाओ कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे लक्ष्य तक पहुंचना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ताकि सभी को एक नई ऊर्जा मिले, एक नई सोच मिले, एक नई दिशा मिले, आने वाले भविष्य को बेहतर कर सके। क्योंकि समय बीतने के बाद पछताने से आपको कुछ नहीं मिल सकता है। आप पछताने से समय को वापस नहीं ला सकते हैं।